हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, हाँ सर आ रही है। ये ब्लॉक 4 का यूनिट 2 है ना? ब्लॉक 4 यूनिट 2। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को ना? इवनिंग सर। MCS 12 का ब्लॉक नंबर 4 का यूनिट 2 है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। इसमें मैं आज बताऊंगा कि असेंबली लैंग्वेज के बारे में, है ना? यस सर। असेंबली लैंग्वेज के लिए यहाँ पर मैं ये इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने डाला है कि बहुत आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे हम असेंबली का यूज करेंगे, है ना? तो असेंबली लैंग्वेज में दो माइक्रो प्रोसेसर पे यूज हुआ है। एक है 8086 और एक जो था 8088, है ना? और इसमें जो दो टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, एक कॉम प्रोग्राम, एक ईएक्सई प्रोग्राम्स, है ना? तो इसके लिए MASM, म्यूट कर लो अपना, है ना, माइक्रोसॉफ्ट असेम्बलर का यूज करते हैं, है ना, जिसको कि हम MASM कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट असेम्बलर, है ना? यहाँ पर देखो ये लिखा है, वी हैव यूज माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, ठीक है? हाँ सर। और भी गूगल्स पे आप सर्च मारिएगा तो आपको बहुत सारे जो है वो कम, बहुत ज्यादा मेमोरी भी नहीं लेते हैं, है ना? MB में रहता है इसका फाइल, डाउनलोड करोगे वो इवेल्युएटर, इवेल्युएटर इवेल्युएटर करके वो है, उसपे आपको कुछ एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्राम्स भी मिलता है। आप उस प्रोग्राम्स को एमुलेटर वो होता है जिसमें कि आप प्रोग्राम्स को देख भी सकते हैं और उसको रन भी करा सकते हैं, है ना? एक्सक्यूज हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। यानी जब हम लोग ये सिमुलेटर ऑन कर रहे थे, सिमुलेटर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमें वो कुछ एरर्स आ रहे थे। वो आप थोड़ा बता पाएंगे क्यों वो एरर्स आ रहे थे? वो देखो, वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे है कि कैसे सपोर्ट करता है ना। ओके सर। तो मैंने बताया ना कि 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर के सपोर्टिंग में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंस्टॉल नहीं होता है और इजीली काम करता है। उसका कुछ सेटिंग होता है, उसको देख लेना, है ना? और अगर कुछ उसमें अगर आपको एरर आता है
आप उसको गूगल्स में भी उसके बहुत सारे चीज मिल जाएंगे, ठीक है, सपोर्टिंग में कि कैसे कौन सा ये एक्सी को कैसे हम एग्जीक्यूट कराएं या उसको रन करा सकते हैं, तो वो आपको गूगल्स में सारी चीज मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि असेंबली लैंग्वेज के लिए जो आप यूज करते हैं, तो यहां पर देखो ये लिखा है प्रोस और कॉन्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसके असेंबली लैंग्वेज से हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे वो कंट्रोल रखता है। असेंबली प्रोग्राम जो होता है स्मॉलर और सम कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल होता है, ठीक है। इसके बारे में हम ज्यादा ये सॉफ्टवेयर के बारे में दिया हुआ है, मैं आता हूँ प्रोग्राम्स का कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। मैं मॉर्निंग के क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि यूजिंग ऑफ असेंबलर, असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो मैनेमोनिक प्रोग्राम्स को, सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। किस कोड में चेंज करता है? मशीन कोड। तो मैनेमोनिक जो प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की जरूरत होती है। अब कह रहा है कि अगर असेंबली स्टेप इन्वॉल्व ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, है ना, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट या मॉड्यूल बनता है वो डॉट ओबीजे से बनता है, डॉट ओबीजे से होता है। ये जैसे डॉट ईएक्सई होता है उसी तरह से एग्जीक्यूटिंग फाइल्स जो होता है डॉट ओबीजे मॉड्यूल, है ना। लेकिन एग्जीक्यूट होने में थोड़ा ये एक होता है ईएक्सई मशीन कोड मॉड्यूल्स, है ना। अब इसको इस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है तब आपका मशीन कोड में वो चेंज होता है। इसको ये जो प्रोग्राम्स को सेव होता है एक्सटेंशन होता है डॉट एएसएम होता है, क्या होता है डॉट एएसएम, ये सब थियोरेटिकल पार्ट है ना। टू पास असेंबलर, लोडर, लिंकर, मतलब कि क्या होता है कि मॉड्यूल में इसको डिवाइड करता है, फिर लिंक करता है, फिर लोड करता है, फिर इसको डिबग करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली प्रोग्राम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, मैं डायरेक्ट इस प्रोग्राम्स पे आया हूँ। वो तो आपका जो बताया कि असेंबली कैसे काम करता है, लिंकिंग कैसे करता है, लोडिंग कैसे करता है, एग्जीक्यूट कैसे करता है, ये सारे चीज जो होते हैं असेंबली के पार्ट होते हैं जो कि असेंबलर के द्वारा ट्रांसलेटर के रूप में यूज होता है। लेकिन आपका जो प्रोग्राम होता है वो फोर सेगमेंट में होता है। कितने सेगमेंट में होते हैं? और सेगमेंट्स फोर में सेगमेंट। हाँ, जैसे डेटा सेगमेंट होता है, स्टैक सेगमेंट होता है, कोड सेगमेंट होता है ना। तो ये सेगमेंट्स के अनुसार ही ये काम करते हैं, है ना। अब देखो इस प्रोग्राम में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। यहाँ पर जो है ये लाइन नंबर है, ये ऑफसेट है और ये सोर्स कोड है, ठीक है। एज एग्जाम्पल मैं इसको बता रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। जैसे यहां पर देखो डेटा सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट में आपको फर्स्ट में देखो 001 में क्या लिखा है, डेटा सेगमेंट। अब डेटा सेगमेंट में और उसको क्लोज कर दिया है डेटा इंट से, डेटा सेगमेंट को स्टार्ट किया सेगमेंट्स को और उसको एंड किया डेटा एंड से। अब इसमें मैसेज लिखा, देखो मैसेज, मैसेज का मतलब होता है किसी भी मैसेज को प्रिंट कराना। अब यहाँ पर जो डीबी लिखा है, लिखा हुआ है, सबको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सर।
हाँ सर तो डीबी का मतलब होता है डेटा बाइट्स, है ना। तो जो ये मैसेज है वो डीबी एक डेटा टाइप है जिसको कि हम यहाँ पर मेंशन किया गया। उसी तरह स्टैक सेगमेंट हो गया जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद है आपका कोड सेगमेंट। इसमें थ्री सेगमेंट्स का इस प्रोग्राम में यूज हुआ है। किसका किसका होता है? डेटा सेगमेंट्स, स्टैक सेगमेंट्स एंड कोड सेगमेंट्स। कोड सेगमेंट्स में जो दिया हुआ है, मेरा ये प्रोग्राम्स दिखाने का मतलब है कि आप प्रोग्राम्स को कैसे ये डेवलप किया है। कोड सेगमेंट्स का मतलब है कि ये जो भी डेटा का मूवमेंट होगा रजिस्टर टू रजिस्टर, वो कहाँ पे होगा? कोड सेगमेंट में, है ना। अब कोड सेगमेंट में देखो लिखा हुआ, एज्यूम किया गया है, माना गया है सीएस को कोड सेगमेंट्स, डीएस को डेटा सेगमेंट, और एसएस को क्या किया है? स्टैक, स्टैक सेगमेंट किया। अब कह रहा है कि सपोज कि हमको मैसेज को पास कराना है, मैसेज को मूव कराना, आपको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या किया है? आपको देखो डेटा सेगमेंट में मैसेज है, कहां पे है? डेटा सेगमेंट में, है ना। तो यहां पर देखोगे DATA डेटा, है ना। तो इस डेटा सेगमेंट का जो मैसेज है वो कहां मूव करा रहा है? AX रजिस्टर्स में। AX के बारे में हमने बताया था आपको, अभी मैं आऊंगा कोड पे, एक एग्जांपल के अनुसार है इसका जो जो कोड है वो मैं आपको दिखाऊंगा। AX का मतलब होता है accumulators, accumulators registers के लिए डेटा को तो मूव करा रहा है, ट्रांसफर करा रहा है। फिर क्या कर रहा है कि मूव DS टू AX, AX के डेटा को DS में कर रहा है, फिर DX में ऑफसेट मैसेज को करा रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि ये मैसेज को प्रिंट कराने के लिए ये इंटरप्ट 21H होता है। इंटरप्ट 21H जो होता है डॉस मोड के लिए होता है। अब मैं कह रहा हूं ये सारे प्रोग्राम्स एक एग्जांपल है। इस प्रोग्राम्स के एग्जांपल के लिए जो डिटेल्स हैं वो ये देखिए। आप लोग अपना म्यूट कर लो। देखो यहाँ पर है ना इंस्ट्रक्शंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सभी को आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर। वर्ड वाला। अब यहाँ पर जो है जैसे मैनी मैनी कोड या उसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, उसमें जैसे हो ए ए ए ए ए ए, आपका जो मैनी मैनी कोड का यूज होगा वो क्या कह रहेगा? आपको लिखा रहेगा ए ए ए। तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि ए ए ए इंस्ट्रक्शंस किस काम के लिए कर रहा है। तो उसका ए का फुल फॉर्म ही हो गया ASCII adjust after additions, ASCII adjust after additions। अब कह रहा है कि इसका जो रिजल्ट्स जो होता है आफ्टर एडिशंस वो कहाँ पे स्टोर होगा? रिजल्ट या तो AH में होगा या AL में होगा। हमने बताया था ना AH और AL। अब यहाँ पर देखो AL जो है 9 से ग्रेटर देन या AF इक्वल 1 है, तो ये जो है ये एक ये आपका डिफाइन किया कि कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, ये देख रहे हो नीचे में एग्जांपल, जैसे उसमें प्रोग्राम में लिखा हुआ था ना कि ये मूवमेंट होता है, तो ये मूव कराता है तो क्या कराता है, है ना। तो यहाँ पर देखो ये लिखा होगा 15AX मूव, एग्जांपल दिया है, ये आप लोगों को स्क्रीन पर आ रहा है सभी को? हाँ सर आ रहा है। हाँ तो ये क्या कर रहा है कि 1 और 5, अब कह रहा है कि देखो ये जो आपको डिवाइड कैसे करता है, तो AH में क्या कर रहा है?
जीरो वन को स्टोर करा, मैंने कहा था मॉर्निंग में आप लोगों को कि वन बिट को स्टोर करा रहा है, तो यहाँ पर वन को कहाँ करा रहा है, ए एच में, और ए एल में किसको करा रहा है, फाइव को, ये देखिए। ठीक है, तो सुबह हमारा क्लास एनकोडर्स डिकोडर्स मल्टीप्लेक्सर्स पे हुआ था सर, हमारा ये असेंबली लैंग्वेज पे मैंने यानी बताया जो था, कुछ डिस्कस किया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एक्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स वगैरह पर मैंने कुछ डिस्कशन किया था, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने बोला था इस बारे में, इसी चीज के बारे में कि एक्स क्या होता है, ए डी क्या होता है, फिर ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है ना, उसकी बात नहीं है, वो मैंने एक शॉर्टकट में बताया था, उसी चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज मेनेमोनिक कोड, और मेनेमोनिक कोड जो होता है वो मूवमेंट या रजिस्टर्स को कैसे स्टोर करता है, उसके वैल्यू को कहाँ स्टोर करता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है ना, जैसे ASCII एडजस्ट बिफोर डिविजन, AAM, ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशंस, ठीक है, उसके बाद होता है ASCII एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शंस, उसके बाद ADC होता है, ये सारे जो है ये मेनेमोनिक कोड है। ठीक है, सर हाँ बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। सर हाँ एक बता शॉर्ट में सर, आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैंने मैंने कोड क्या होता है एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना। क्या चीज है मेनेमोनिक कोड्स, यही चीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ये क्या मेनेमोनिक प्रोग्राम्स का सर शॉर्ट मैंने बताया कि जैसे कंप्यूटर्स जो है वो किसको समझता है, मशीन कोड को, ठीक है, तो यस सर मशीन कोड को यस सर जो करता था, तो मशीन कोड में क्या था, बाइनरी डिजिट्स का, डिजिट का आपका प्रोग्रामिंग होता, जैसे जीरो और वन, यस जो भी कंप्यूटर जो काम यस सर करता है वो जीरो एंड वन पे करता है, वन तो पे हम जब कोई भी इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं तो जीरो और वन का आप यूज कीजिएगा, तो बहुत ही टिपिकल काम है जीरो वन को समझना, जैसे वो ऐड करना, यस सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, तो उसको अगर कोई कहेगा कि आप बाइनरी कोड्स में लिखो, तो उसको लिखना बहुत मुश्किल काम था ना, तो इसीलिए यस सर उस चीज के लिए मैनेमोनिक कोड बना, क्या बना, मैनेमोनिक कोड, कि जिसको कि हम आसानी से समझ सके, मतलब एक सिंपल सा बात है, अगर दो नंबर को जोड़ना है तो उसको एक मैनेमोनिक कोड जो दिया वो ऐड दिया, ADD, है ना, सब्ट्रैक्ट हुआ तो SUB, मल्टीप्लाई हुआ सर एम MUN। साइलेंट है हेलो, सर, एम साइलेंट होता है यस सर, सर निमोनिक बोलिए। बोलते हाँ हैं। हाँ आप उसी तरीके से आपका डिविजन्स हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, DIV मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इस कोड के यस लिए सर आपको मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, तो इसके लिए क्या करता है, आपको एक ट्रांसलेटर का यूज होता है, उस ट्रांसलेटर को हम असेंबलर कहते हैं, विदाउट ट्रांसलेटर कोई भी प्रोग्राम्स को कन्वर्ट मशीन कोड में नहीं होता, क्यों ना आज का हाई लेवल हो, या आजकल आप लोग .NET यूज करते हो या कोई भी चीज यूज करते हो, जैसे उसमें भी होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तो उसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज जो था वो लो लेवल का लैंग्वेज था, क्या था, लो लेवल का, मतलब कि लो जो लेवल मशीन कोड का आया उसके बाद ये लो लेवल लैंग्वेज आया, उसके बाद सी आया, C++ आया, जावा आया, तो जो भी मिडिल लेवल लैंग्वेज या लो लेवल, मिडिल लेवल का हो, हाई लेवल का हो, उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज आया, लेकिन मशीन कोड जो था लो लेवल का लैंग्वेज था, जो कि हमारे मतलब कि कम्युनिकेशंस के अनुसार उस प्रोग्राम्स को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें समझने के लिए वो कोडिंग्स को डेवलप किया गया। दूसरी बात मैंने बताया था मॉर्निंग में, या अभी बता रहा हूं, कि आपको जो कोड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई रजिस्टर्स में या कहीं स्टोर होते हैं, जैसे पहले के हम लोग यूज करते हैं तो कोई वैल्यू कहीं स्टोर होगा तभी वो काम करेगा, ठीक है, वन बिट का वो
स्टोर करेगा, तब वो आपका प्रोग्राम्स का कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो कोड है, ये आप जो वर्ड में देख रहे हैं, ये आपका इंस्ट्रक्शंस कोड है। ये मैं इसीलिए इसको खोला हूं कि ये सारे जो है इंस्ट्रक्शंस कोड है, जो कि कैसे काम करते हैं। जैसे एक सिंपल सा है ये आपके सामने, सेड है सर, पूछ रहे थे जब हम लोग सी को नहीं को बोलते हैं। हां हेलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, बोल रहे थे कि जब हम लोग सी को कंपाइल करते हैं, सी प्रोग्राम, कोई भी सी प्रोग्राम को, तो यानी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल बनता है। तो ये जो कोड्स हैं, ये क्या वो ओबीजे फाइल में स्टोर रहते हैं या ये अलग से किसी रजिस्टर में जाकर स्टोर होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये स्टोर तो कोई रजिस्टर में ही होगा, उसमें ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल तो सब में होता है, एग्जीक्यूट तो होगा ही अगर प्रोग्राम। लेकिन जब वो स्टोर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई रजिस्टर में, प्रोग्राम्स को जब एग्जीक्यूट कराना हो या रन कराना, तो कोई कहीं पर वो स्टोर होगा। ठीक है, विदाउट स्टोर वो काम नहीं करता। जैसे यहाँ पर हम ये सिंपल सा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एड, सबको नजर आ रहा है एड। एड में देखो यहाँ पर लिखा आर ई जी, रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर्स मेमोरी, है ना। तो ये जो है ये मेमोरी में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू को स्टोर करेगा प्रोग्राम्स के लिए। जैसे आप सी का प्रोग्राम करते हो तो वहां पर ए ले लेते हो, ए इक्वल फाइव लेते हो ना, बी इक्वल सिक्स, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे डायरेक्ट लिखते हो। कौन है? अब ये मैं कह रहा हूं कि ये आपका वैल्यू को ऐड करना है, तो यहाँ पर देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, एम ओ वी ए एल फाइव, ए एल फाइव, यहाँ पर देखो एग्जांपल में लिखा मूव ए एल और फाइव, तो यहाँ ए एल इक्वल क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ए एल इक्वल फाइव हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे? हाँ सर, ये एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद वेटिंग वेटिंग पे हैं। अच्छा अच्छा देख लेते हैं। ये अपना म्यूजिक ऑफ रखो आप लोग, ठीक है? हाँ, अभी मैं बता रहा था आपको स्क्रीन पर एडिशंस करने के लिए। यहाँ पर देखो मूव ए एल फाइव है, मूव ए एल फाइव है, यानी कि ए एल रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर है वो फाइव है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मूव ए एल और फाइव का मतलब समझ गए आप लोग कि ए एल में फाइव स्टोर है, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एड ए एल माइनस थ्री है, एड ए एल माइनस थ्री है, ये देख रहे हो एड ए एल और यहाँ पर माइनस थ्री है। अब यहाँ पर माइनस थ्री का मतलब हो गया ए एल इक्वल टू, मतलब ए एल में पहले से तो क्या था, फाइव था, फाइव में अगर माइनस थ्री को एड करोगे तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। हाँ सर, हाँ, तो ये टू हो जाएगा। तो इस कोड का मतलब हो गया एड ए एल माइनस टू का क्या वैल्यू हो रहा है, ये आपको ये क्लियर हो गया कि ये कैसे प्रोग्राम काम करता है? यस सर। हाँ सर, अब उसी तरीके से ये आपका कोड है एंड का, एंड का जो यूज होता है टू ऑपरेंड्स में। यहां पर देखो, यहां पर क्या दे रहा है, वन एंड वन, मतलब कि वन एंड वन,
मतलब कि वन से मल्टीप्लाई वन का करोगे तो वन आएगा, उसी तरीके से वन एंड जीरो अगर रहेगा तो जीरो होगा, जीरो एंड वन होगा तो जीरो होगा, जीरो एंड जीरो होगा तो जीरो होगा। ये जो एंड का नमेनिक मैनेमेनिक कोड है, तो इसका देखो, इसका अगर इसको एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पर देखो मूव ए एल और ए दिया हुआ है, मूव ए एल और ए दिया हुआ है। अब ए का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर दिखाया है, वो कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ए एल में, कहाँ हो रहा है, ए एल में। तो अब ये ए एल का मल्टीप्लाई करेगा जो चीज एंड अगर हुआ तो वो जो वैल्यू होगा वही करेगा, मतलब कि जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई करेगा, वो सेम रिजल्ट आएगा, है ना। इसी तरीके से कॉल, ये भी आपका प्रोग्राम्स में है, है ना, ये आप प्रोग्राम्स में कॉल का यूज, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सारे जो है ये जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ पोर्ट्स दिए है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वर्क ऑफ ये जो मैनेमेनिक कोड, नमेनिक कोड जो है उसको हम व्हाट इज यूज, क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं और उसका मीनिंग क्या है, है ना, तभी ये प्रोग्राम्स को आप कर पाइएगा। तो इसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है, उसके बाद उसके एक रिक्वेस्ट है सर, ये जो आपने एंड का जो एग्जांपल दिया वो थोड़ा क्लियर नहीं, ऑल्दो मैं समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ निमोनिक्स और असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है, बट स्टिल जो एंड का जो एग्जांपल था ना वो क्लियर नहीं, क्योंकि एल जो रजिस्टर है उसमें पहले हमने ए को मूव किया तो उसका जो ASCII कोड है इक्विवेलेंट 0110001 सेकंड जो कमांड आया दैट इज एंड एल, तो यहाँ पे एल को किसके साथ एंड किया जा रहा है, एल के साथ ये जो वैल्यू दिया हुआ है okay, उसको दिया गया है। क्लियर हो, आप यहाँ पर देखो यहाँ पर कैपिटल ए के लिए दिया हुआ, हाँ ये इमीडिएट ऑपरेशन हो गया, एल जो वैल्यू है जो पहले से ए था स्मॉल ए जो बाइनरी 0110 है उसको जो नया नंबर दिया है उसके साथ एंड किया गया, ओके क्लियर हो गया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको, हाँ बोलिए। हाँ सर, यहाँ पर तो रिटर्न मतलब जो होगा स्टोर होगा, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या सो होगा, कैपिटल ए सो होगा या ASCII कोड सो होगा उसका, कैपिटल ही सो होगा, कैपिटल ही सो होगा रिजल्ट में, है ना okay. अगर उसका वैल्यू को स्टोर ASCII कोड को कराओगे तो ASCII कोड को सो करेगा, ठीक है। जो मैंने क्या कहा AL इक्वल 5 है ना, तो 5 अगर आप स्टोर होगा तो 5 को दिखाएगा, है ना, अगर कैपिटल ए को स्टोर कराओगे तो कैपिटल ए को दिखाएगा, अगर उसके ASCII कोड को दिखा अगर उसमें स्टोर कराओगे तो ASCII कोड को दिखाएगा। ये आप ध्यान रखो, जो वैल्यू आप स्टोर कराते हो वही वो आपको आउटपुट दिखाएगा, है ना, अगर 5 लिखोगे तो 5 दिखाएगा, 0 लिखोगे तो 0 दिखाएगा, और ASCII कोड लिखोगे तो ASCII कोड को दिखाएगा, ठीक है सर। इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूं क्या प्लीज? हाँ हाँ बोलिए सर। जो भी ये सवाल पूछ रहे थे सर, देखिए सी से आप इसको कंपेयर करें, सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, तो वहां पे जो भी हमारा आउटपुट है, जो भी आउटपुट निकलता है वो हमारे टर्म्स में, इंग्लिश के टर्म्स में या नंबर्स के टर्म्स में आता है, एंड दिस इज असेंबली लैंग्वेज, दिस इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, तो यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा वो किसी फर्दर प्रोग्राम में यूज के लिए होगा, तो यहाँ पे ASCII कोड्स के टर्म्स में ही आएगा ये प्रोग्राम जो है। हाँ, वो मुझे मतलब समझ में आया कि वो रजिस्टर में कहीं पे स्टोर होगा, मतलब वो हम लोगों को पता नहीं होगा कि मतलब देख नहीं सकते, लेकिन अगर मैं बाय चांस प्रिंट कराना चाहूँ उसको, प्रिंट कराने का भी कोई होगा इसमें प्रोग्राम का? हाँ वो तो एक चीज, वही पूछ रहा था वो, मैं कह रहा हूँ इसको बातों को कि आपका जो ASCII कोड का वैल्यू है, जो भी चीज को हम को स्टोर करेंगे, मेरा कहने का मतलब जो रजिस्टर में वैल्यू को स्टोर करेंगे वही हमको आउटपुट देगा। जैसे इसके पहले भी हमने एग्जांपल दिया था, AL इक्वल 5 लिखा हुआ था ना, और फिर एड AL और कॉमा माइनस 3 था, तो वहां पर क्या दिखाया, एड वहां पर 20 दिखाया AL में,
मतलब जो वैल्यू रहेगा उसी को शो करेगा। अगर यहाँ पर आस्की कोड को दिखा रहा है तो आस्की कोड के वैल्यू को दिखाएगा, अगर इसमें वैल्यू डायरेक्ट ए दिखा रहा है, ए ए का वो आस्की वैल्यू है ना, अगर ए लिखा रहेगा तो ए को दिखाएगा, ठीक है। ओके सर, हाँ। और दूसरा चीज है, इसके बाद मैं आता हूँ, जैसे ये बहुत सारे है, ये आप लोगों को सारा चीज वही मूवमेंट है ना, इंस्ट्रक्शंस को कैसे काम करता है, जैसे सी एल सी क्या है, क्लियर कैरी फ्लैग है, सी एल डी क्या है, एस आई क्या है, सोर्स इंडेक्स है, डी आई क्या है, डेस्टिनेशन इंडेक्स है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये सारे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्या है, इंस्ट्रक्शंस कोड है, और उसी के अनुसार काम करता है। जैसे सी एम पी है, सी एम पी का मतलब क्या हो गया, वो कंपेयर करेगा ना, सी एम पी जो है वो दो रजिस्टर्स के बीच में कंपेयर करेगा। आप कहोगे कैसे करेगा, तो जैसे यहाँ पर देखो आपका मूव ए एल और कॉमा फाइव है, और यहाँ पर क्या है, मूव बी एल फाइव है। अब यहाँ पर एक रजिस्टर ए एल हो गया, एक दूसरा रजिस्टर क्या हो गया, बी एल हो गया। अब यहाँ पर देखो सी एम पी, सी एम पी क्या कर रहा है, ए एल और बी एल दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा है ना। अब यहाँ पर अगर ए एल इक्वल फाइव है तो यहाँ पर क्या दे रहा है, जेड एफ। जेड एफ का मतलब क्या होता है, जीरो फ्लैग हो गया, ये फ्लैग हो गया है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जीरो इज नॉट स्टोर एनीवेयर, फ्लैग्स आर सेट, फ्लैग जो है सेट है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, है ना। तो ये एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ कि काम कैसे करता है और उस नमेनिक कोड का कैसे काम करता है, ये चीज आपको यहाँ पे शो किया हुआ और इंस्ट्रक्शंस है। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस कोड है, आप इसको आपके ब्लॉक में भी है ना, ये सारे आप अपने ब्लॉक में उसको स्टडी कीजिए और उसका जितना भी क्या मीनिंग आ रहा है उसको भी आपको उसको देख कर रखना होगा, तभी आप उस प्रोग्राम्स को आगे कर सकते हैं या आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मस्ट है कि आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि कोई भी निमोनिक कोड है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, या कोई रजिस्टर है उस रजिस्टर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि वो रजिस्टर्स क्या वैल्यू है। अब जैसे यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर देखो कि ए एल ए एक्स है ना। अब ये वेन ऑपरेंट इज ए वर्ड, तो वर्ड में क्या करेगा, अगर यहाँ पर दिया है कि मूव ए एक्स 203, अब यहाँ पर ये देखो एच है ना, हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू होगा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसका क्या डिवीजन करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ये सारे चीज जो है इसको आप स्टडी करोगे तो इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये डिविजन्स कैसे करेंगे, फिर एच हॉल्ट का यूज कैसे करेंगे, ये सारे कोड्स जो है ये सारे इसमें बुक में आपका है, बुक में ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब जैसे इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट आईएनसी का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर दिया हुआ ना इंक्रीमेंट आईएनसी, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है, हेलो आवाज आ रही है ना, कभी नेटवर्क तो नहीं चला गया, तो यहाँ पर देखो आई एन सी क्या कर रहा, इंक्रीमेंट कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीमेंट का मतलब कि जो वैल्यू है उसमें ऐड करेगा। तो आई एन सी आपका प्रोग्राम में दे दिया, तो आप सोचोगे ये व्हाट इज आई एन सी, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ, जैसे मूव ए एल फोर, मतलब ए एल में जो वैल्यू है वो फोर है। अब यहाँ जैसे ही आई एन सी ए एल लग गया, यानी कि उसमें एक ऑपरेंड ऐड हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर अगर एक वैल्यू को ऐड कर रहा है तो एल में क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, देख रहे हो एल में फाइव हो जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट का यूज है कि आईएनसी का यूज किस लिए करते हैं, है ना। इसी तरह आईएनटी है, इंटरप्रेट, इनटू है ना,
अब इनटू यहाँ पर है तो इनटू का किस लिए यूज हो रहा है? अब यहाँ पर ये देखो, ये कंडीशंस के लिए यूज हो रहा है। अब इसको जब आप यूज करोगे तो व्हाट इज इनपुट, तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटरप्ट फॉर इफ ओवरफ्लो फ्लैग इज वन। अब इसके लिए फिर क्या किया है, इफ ओवरफ्लो फ्लैग इक्वल टू वन देन इंटरप्ट फॉर आईएनटी फोर। अब उसके बाद ये एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दिया है ना। तो इस तरीके का आपका जंप वगैरह सारा होगा। अब जैसे जेई का यूज कर रहा है तो यहाँ पर लिख दिया है कि सॉर्ट जब इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज एवर या इक्वल टू सेकेंड ऑपरेंड, जेई का मतलब होता है। अब जैसे जेई हो गया तो जंप इक्वल हो गया है ना। अगर जी, जैसे यहाँ पर हमने कहा ना जेई हो गया, तो जेई का मतलब हो गया, यहाँ पर देखो ये वेद दिया हुआ है, शॉर्ट जंप इज फर्स्ट ऑपरेंड इज इक्वल, जंपिंग इक्वल है ना। तो इसके ये कैसे काम करता है, उस लेवल पर कैसे जंप करता है, ये सारे ये आपके प्रोग्राम्स में एज ए एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा है ना जेई लेवल वन, मतलब कि ये लेवल वन पे अगर होगा तो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कि इस लेवल वन पे क्या है, ए एल इज इक्वल टू फाइव। अगर इस अगर यहाँ पर जंप एग्जिट है तो वो रिटर्न्स के लिए देगा। तो ये इस तरीके से ये सारे इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड्स आपके इस चीज में आपको, ये आपके ब्लॉक में भी है ना। तो मेरे पास ये वर्ड्स फॉर्मेट में था इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया है ना कि ये काम कैसे करते हैं सर। हाँ हाँ बोलिए सर, ये वर्ड फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है आपके पास वो हमें दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं दे सकते हैं सर। तो ईमेल आईडी में सेंड करेंगे? ईमेल आईडी में सेंड कर दें? हाँ सर, एक जन को सेंड करने से एक काम करना कि मेरा नंबर है आप लोगों के पास, एक दिन मैंने दिया था ना सर हमारे आप, पास आप कॉन्टेक्ट एक स्टूडेंट लिख लो मेरा नंबर, वो हाई करके अभी कर देना है ना, उस पे ईमेल भेज देना, उस पे मैं मेल कर दूंगा ठीक है। अच्छा थैंक यू सर, आईडी दे दीजिए। हाँ लिख लो 9472404050007 हाँ, इस पे अभी हमको ईमेल व्हाट्सएप कर देना 5007 हाँ सर 9472405007 हाँ, दो बार जीरो है हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस पर कर दोगे तो ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को। बहुत सारे असेंबली का प्रोग्राम भी है वो भी मैं भेज दूंगा ठीक है। 10-12 क्या 25-30 प्रोग्राम है ना, वो लैब मैनुअल्स में भी आपको आएगा, वो आपको हेल्प होगा ठीक है। और उसको समझो ठीक है, इसको मैं अभी मेल कर देंगे ठीक है। अभी तुरंत हमको जैसे ही क्लास खत्म होगा हमको भेज देना व्हाट्सएप, मैं मेल कर दूंगा ठीक है। अब आते हैं देंगे आप हाँ व्हाट्सएप में ही भेजेंगे आप? नहीं नहीं मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप पे आप अपना ईमेल डाल दो। ओके सर ठीक ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो बता रहा था कि सेगमेंट जो होते हैं, सेगमेंट में जैसे यहाँ पर मैं बताया था कि कोड सेगमेंट होता है सीएस के लिए, तो कोड सेगमेंट्स जो होता है लॉजिकल प्रोग्राम सेगमेंट है, कोड सेगमेंट में जो है कोड से रिलेटेड है ना, जो भी एग्जीक्यूशन जो भी होगा वो कोड सेगमेंट्स में होगा है ना। उसी तरीके से स्टैक सेगमेंट का है, वर्ड स्टैक के लिए यूज होता है, डेटा सेगमेंट्स मेन पार्ट होता है, इसमें डेटा टाइप्स को भी डिफाइन किया जाता है, इसमें डिफाइनिंग डेटा डेफिनेशंस। अब डेटा डेफिनेशंस के लिए क्या हो जाता है कि कौन कौन सा पहला नंबर की जो यूज करते हो, जैसे हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं ना इंटीजर
फ्लॉट ठीक है, या स्ट्रिंग जो यूज करते हैं, सेम तरीके से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, डीबी डिफाइन बाइट, डीडब्ल्यू डिफाइन वर्ड्स, डीडी डिफाइन डबल वर्ड्स, डीक्यू डिफाइन क्वाड वर्ड्स और डीटी डिफाइन 10 बाइट्स। देख रहे हैं? और यहाँ पर कितने बाइट्स के होते हैं? हाँ बोलिए, ये जो है बाइट्स की कितने होते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स क्या हो गया, जैसे कि डीबी 1 बाइट का हो गया, डीडब्ल्यू जो है 2 बाइट्स का हो गया, डीडी 4 बाइट्स का हो गया, डीक्यू जो हो गया 8 बाइट्स का हो गया, डीटी जो हो गया 10 बाइट्स का हो गया। उसी तरीके से एरे को जब डिफाइन करते हैं तो वहां पर देखोगे डीयूपी का यूज होता है ना। DUP का मतलब होता है डायरेक्टिव इज यूज टू डुप्लीकेट द बेसिक डेटा, डुप्लीकेट द बेसिक डेटा डेफिनेशंस टू एन नंबर ऑफ टाइम्स, डेफिनेशंस टू एन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे DUP के लिए ये यूज हो रहा है, उसी तरह इक्वल के EQU है ना। अब यहाँ पर डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन ए नेम ऑफ ए कंस्टेंट वैल्यू, मतलब कि जैसे कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या ई की यू में 20 है, तो वो 20 को ही रीड करेगा। तो इस टाइप से ही अगर कोई चीज डिफाइन करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, डेटा सेगमेंट में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि ये डीबी है, ये डीडब्ल्यू है, डीबी है, डीडब्ल्यू है, डीबी है। तो इस तरीके से ये डेटा सेगमेंट्स में हम यूज करते हैं। उसी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरप्ट्स। अब इंटरप्ट्स आप प्रोग्राम में देखोगे तो बहुत सारे हो गए, इंटरप्ट 21H ठीक है, इंटरप्ट 10H, इंटरप्ट 9H है ना। लेकिन ये सारे जो भी दिए हुए हैं ये इनपुट के लिए वैल्यू के लिए, ये आउटपुट वैल्यू के लिए है ना, कीबोर्ड के इनपुट और वीडियो आउटपुट के लिए इसका यूज होता है, जिसको कि हम डॉस फंक्शंस कहते हैं, डॉक्स फंक्शंस कॉल कहते हैं। इंटरप्ट 21H जो होता है 100 डिफरेंट फंक्शंस को सपोर्ट करता है। इंटरप्ट 21H कितने फंक्शंस को सपोर्ट करता है, 100 डिफरेंट फंक्शंस को। ये फंक्शंस जो होते हैं ये उसके फंक्शंस के अनुसार ही वो फाइंड आउट होते हैं, और उसमें जो होता है AH रजिस्टर होता है, कौन सा रजिस्टर होता है, AH। और हम अगर कोई भी फंक्शंस को कॉल करते हैं तो 01 से शुरू होता है, फिर उसको 1x1 जैसे इंटरप्ट 21H 01H। अब 01H का यूज कर रहे हैं जो डॉस फंक्शंस कॉल को A01 को वो H को कर रहे हैं, तो उसका किस लिए कौन सा पर्पस है, और उस पर्पस में उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये आपके ब्लॉक में दिया हुआ है ना, पेज नंबर 13 में। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे AH01H तो कह रहा है कि अगर हम 01H का यूज कर रहे हैं तो किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर रीडिंग ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, फॉर रीडिंग ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, इको इट मॉनिटर, इको इट ऑन मॉनिटर, मतलब कि वो मॉनिटर पर आपको वो शो करता है ना। द इनपुट वैल्यू इज पुट इन AL रजिस्टर, इनपुट वैल्यू को कहाँ रखता है, AL रजिस्टर में। तो इतने फंक्शंस जो पर्पस है वो किसके लिए होता है, AH01H के द्वारा होता है, AH01H के द्वारा ये इतने फंक्शंस को कर सकता है। उसी तरीके से AH02H, अब AH01H को देखो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि कैसे उसको हम एग्जांपल में यूज करेंगे, उसी AH02H। अब AH02H का मतलब हो गया कि दिस फंक्शन रीड 8 बिट डेटा है ना, That is store in DL. अगर DL में अगर वो स्टोर है तो 8 बिट डेटा को प्रिंट करने के लिए जो यूज होगा AH02H का यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो
नेक्स्ट वैल्यू है AH08H. AH08H क्या करता है, ये इनपुट द वन कैरेक्टर, दिस इज सेम एज AH01H. अब कहेगा कि AH01H और AH08H दोनों फंक्शन जो है सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें वैल्यूज डज नॉट गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. AH08H में जो है डज नॉट गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और AH01H में ये इट इज ऑन द मॉनिटर. तो ये 08H और 01H में ये डिफरेंसेस होता है. उसी तरीके से AH09H होता है. दिस प्रोग्राम आउटपुट्स ए स्ट्रिंग हुज ऑफसेट इज स्टोर्ड इन DX रजिस्टर्स में, है ना. अब यहाँ पर किस चीज का यूज करते हैं, इसके टर्मिनेटेड के लिए यूज करते हैं डॉलर कैरेक्टर का. वन कैन प्रिंट न्यू लाइन टैब कैरेक्टर आल्सो, इसको टैब कैरेक्टर्स के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे टू प्रिंट हेलो और वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यूज को उसके लिए टैब क्या यूज कर रहा है, तो टैब के लिए क्या यूज हो रहा है, ये देखो यूजिंग है डॉलर का. अगर ये डॉलर का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर AH09H का यूज होता है. इसी टाइप से ये देखो आपका जो जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है AH0AH AH4CS. क्योंकि ये आप रन होगा ना तो वो प्रोग्राम जो है ना डॉस मोड में आपको दिखाता है आउटपुट को, तो वहां पर क्या करेगा, जैसा AH4CH तो रिटर्न टू डॉस. तो इस तरीके से ये सारे प्रोग्राम्स के पार्ट हैं कि कैसे वो काम करता है. तो ये सारे चीज आप लोग इसको देखिए वन बाय वन. और एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, कोड सेगमेंट्स हो गया, डेटा सेगमेंट्स हो गया. जैसे यहां पर देखो जैसे ये छोटे छोटे कोड्स को डिफाइन करके बताया कि कैसे क्या होगा. अब जैसे यहाँ पर दिया है वी कैन कन्वर्ट इट टू थ्री यूजिंग प्रीवियस लॉजिक डेट 33-33. अब ये कैसे यूज होता है जो मैंने अभी आपको बताया, है ना, AH01H का कैसे यूज होता है, 30H है तो 30H क्या है, 9H01H का यूज कर रहे हैं तो क्या है, इंटरप्ट 21H यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है, ये सारे चीज जो है ये आपको देख लेना होगा. ये 01H का है, रजिस्टर्स का मूवमेंट क्या है, 21H क्या है. अब जैसे यहाँ पर दिया इंटरप्ट 20, द कैरेक्टर इनपुट इज AL, तो जो कैरेक्टर इनपुट जो है AL में है. अब AL क्या कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, BL को. तो ये सारे कोड्स देखोगे, ये एग्जांपल ऑफ इनपुट और कैसे कैसे काम कर रहा है इसको आप लोग वन बाई वन देखोगे, है ना, कैसे ऐड कर रहा है, कैसे डिवीजन कर रहा है, ये सारे ये प्रोग्राम्स में दिया हुआ है. इसको अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो सारा चीज समझ जाएगा. और इसको समझना बहुत जरूरी है. ऐसे ये आप लोगों का अगर लैब होता है, ठीक है, तो लैब में ये बताया जाएगा, प्रोग्राम्स को रन भी कराया जाता है. अब देखिए आप लोग का लैब होता है क्या होता है, है ना. तो इसके लिए अब जैसे अब ये जो पूछ रहे थे ना टाइप्स ऑफ असेंबली प्रोग्राम, तो देखो यहाँ पर कॉम प्रोग्राम है ना, ईएक्सई प्रोग्राम है, और उसके बाद है तो ये सारे आपके
असेंबली का पार्ट है ना, इसको आप स्टडी कर लेना, फोर्थ ब्लॉक का यूनिट टू और यूनिट थ्री सारा इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। दूसरी बात रही कि हम जो है आपको प्रोग्राम्स जो है लगभग जो सॉल्व प्रोग्राम है वो मैं आपको अभी मैं मेल कर दूंगा, ये कोई हमें अपना मेल आईडी भेजोगे।